Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. काफी टाइम हो चुका है और आप बिल्कुल तैयारी में बैठे हैं कि कब कब सुनाया जाए, और मैं भी हाजिर आया वक्त पे और आपको सुनाने के लिए तैयार हूँ। क्या आप तैयारी कर लिए हैं? तैयारी कर ली है ना? एक बार मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, जरा सी और ताकत लगाएं, सुभान अल्लाह, अल्लाह की आवाज़ को और बुलंदता फरमाए और मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। मैं कलाम आला हजरत का एक मतला पढ़ता हूँ और मुझसे हिंदुस्तान हमारे बड़े भाई यकीनन इनकी नकाबत आप सुने, आपका इश्क और मचलेगा तड़पेगा। वो दीवाना ये है जो इश्क में डूब कर शेर व शायरी सुनाता है। यकीनन आपने ऐसे नसीब का इंतखाब किया है, अल्लाह सलामत रखे। मैं कलाम आला हजरत का मतला पढ़ता हूँ, एक बार वो मुस्कुराए और कह दें सुभान अल्लाह। मैं पढ़ता हूँ समाज के, आला हजरत कहते हैं आला हजरत कहते हैं पेश हक मुझे दा शफा। मैदान महशर होगा, हम उस आका की महफिल में बैठे हैं जिसकी गुलामी हमें नसीब हुई है। दोस्तों यकीनन हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारी जिंदगी आका की सुन्नतों पे गुजर रही है। यकीनन हम किस्मत वाले हैं। कल बरोज़ महशर क्या होगा, जब हर कोई नफसी नफसी के आलम में होंगे, हर कोई परेशानियों के आलम में होंगे, लेकिन जो नबी का दीवाना होगा वो क्या कहेगा? समाज के आला हजरत ने हमें बता दिया कि पेशे हक मुझे दा शफा। आप बोल के सुनेंगे तो पढ़ने वाला का एक अलग मिजाज बनता है, और जब मिजाज बन जाएगा तो आपको बोलने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। आला हजरत कहते हैं पेशे हक मुझे दा शफा का पढ़ता हूँ उसमें आपका दिल मचलेगा। आला हजरत कह रहे हैं पेशे हक मुझे दा शफा का सुनाते जाएंगे, पेशे हक मुझे शफ़ात का सुनाते जाएंगे, पेशे हक मुझे दा शफ़ात का सुनाते जाएंगे।
रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। और एक शेर सुने, जब प्यास की शिद्दत मैदान महशर में हमें तड़पाएगी उस वक्त मेरे आका जामे कौसर हम गुलामों को अता करेंगे। हम किस्मत वाले हैं, आला हजरत ने हमें बता दिया। कहते हैं कि दिल निकल जाने की जाग है, आह कितने आँखों से वो अंदाजा लगता है कि दीवाने जो सच्ची मोहब्बत करने वाले होते हैं, आला हजरत का शेर जब सुन के मजलता है तो अलग बुलंदी मिलती है उन्हें और अलग हौसला मिलता है। समाज करें, कहते हैं आला हजरत, दिल निकल जाने की जा है, आह किन आँखों से वो दिल निकल जाने की जा है, आह के आँखों से वो क्या दिल से प्यासों के लिए दरिया बहाते और बुलंद आवाज़ से आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे क्या पैगाम दिया भाई साहब, आप रोते जाएंगे अल्लाह अकबर। और एक शेर पढ़ता हूँ समाप्त कर ले। आज हम पैदाइश रसूल के मौके पे हर साल आप जैसा सजाते हैं, है कि नहीं सजाते हैं, उसे मोहम्मदी निकालते हैं, तो आला हजरत ने जब हमें बता दिया तो हम क्यों ना करें, क्यों ना जल से सजाएं। आला हजरत कहते हैं हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला के धो, हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला के धो, हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला के धो, के हशर तक डाले
के अरे मिस्र फारस से नजीद के किले गिराते जाएंगे। जिंदाबाद 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 इसे कहते हैं अजमत फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। आप रोते जाएंगे और हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। खाक हो जाए जलकर मर जाए मिट्टी में मिल जाए लेकिन आला हजरत कहते हैं खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा 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 चल कर मगर हम तो रजा के खाक हो जाए तू चल कर मगर हम तो रजा। अरे दम में जब तक दम दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे।